हम गांव में जाते हैं पैदल, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। हम पूछते हैं कौन कर रहा है भ्रष्टाचार, कहता है मुखिया विधायक सब चोर है। मेरे भाई, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, दूध को पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस नेता को 500 रुपया के लालच में जाति धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के मुंह में उंगली डाल के 5,000-10,000 लूटता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार है, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार मेरी बात मानिए, आप अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है, ये भी बता देते हैं। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया, अब आपका जीवन क्या सुधरेगा। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके अपने बच्चों का जीवन सुधार लीजिएगा, और नहीं जगोगे, जाति धर्म नाली गली 500 रुपया पर वोट देते रहोगे, तो लिख कर ले लीजिए आपके बच्चों को भी इसी दिवाली में लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर क्या कर ले जा। सब लोग हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन हिंदुओं के धर्म में ये बताया गया है कि लक्ष्मी की पूजा का फायदा तब है जबकि पूजा से पहले घर में बढ़िया सफाई होना चाहिए। 2-3 दिन पहले हम लोग अपना घर दुकान सब ऑफिस साफ करते हैं, तो 25 में जब जन सुराज का व्यवस्था बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि तरारी से हुंकार भरिए, और 15 दिन के बाद जो चुनाव है उसमें कूड़ा करकट को झाड़ कर बाहर फेंकिए, और इतिहास में तरारी का नाम दर्ज कराइए कि जब बिहार में परिवर्तन का ये आंदोलन चला तो सबसे पहले तरारी की जनता ने सारा कूड़ा करकट को हटाकर एक नए व्यक्ति का चुनाव किया। अब आपके पास अवसर है सिर्फ अपना जीवन सुधारने का नहीं, पूरे बिहार को ये संदेश देने का कि जाति पाति से ऊपर उठकर सही व्यक्ति का चुनाव करने की क्षमता आप में है, और अगर नहीं करिएगा तो उससे कुछ नहीं बनना बिगड़ना है। जो जीत कर आएगा फिर आपको वही करेगा जो अभी तक कर रहा। हम लोग के माँ बाप और गुरुओं ने सिखाया है गलत आदमी का साथ कभी भी अच्छा रिजल्ट परिणाम नहीं दे सकता, चाहे वो आपके जाति का हो कि धर्म का। गलत का साथ दोगे तो आपके साथ गलत ही होगा, तो जो अच्छा लगे वोट उसको दीजिए, लेकिन कम से कम गलत व्यक्तियों का चुनाव